नमस्कार दोस्तों अड्डा टू फोर सेवन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज यूपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर टू थाउजेंडर्टीन विध सोलूशन का पार्ट थ्री हम आपके सामने लेकर आए हैं और देखते हैं कि इस पार्ट थ्री में किस तरह के प्रश्न हैं और कैसे इन प्रश्नों को हमें सॉल्व करना है तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इन प्रश्नों में किस तरह के प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं पहला प्रश्न जो आपके सामने है देखिए बिल्कुल पेपर का प्रश्न है वही उतार कर मैंने रखा हुआ है लिखा है निम्नलिखित एक दो तीन और चार आकृतियों पर विचार कीजिए ठीक है विचार कीजिए उपयुक्त एक से चार आकृतियों में दो प्रतीकों को एक नियमित दशा में अपनी स्थिति बदलते हुए दर्शाया गया है उसी क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा एक पांचवें चरण पर आएगा तो देखिए पहला चरण तो यह है दूसरा चरण ये है तीसरा चरण यह है और चौथा यह है अब पांचवें पे कौन आएगा देखिए जरा यह क्या कर रहा है आ, ये क्या कर रहा है कि पहले, यहाँ था, पहले यहां था पहले ये यह यहां था अब ये यहां आ गया यानी यहां से यहां गया, यह आ गया ठीक है उसके बाद अब ये आ गया यहां यानी यहां से ये आ गया यहां यहां से आ गया जो आधा सूरज है आधा सन है सन टाइप का बना हुआ है उसके बाद ये पहुंच गया इधर यानी ये यहां यह आ गया यानी ये इधर चला आया इधर ये यहां पर आ चुका है ठीक अब एक बात जरा गौर करिए कि जो सूर्य का चित्र है वो उसी के भीतर घड़ी के विपरीत जा रहा है एं, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आप सोचिए कि ये यहां से वापस फिर यहीं आ जाएगा इसका मतलब ये यहां आएगा कहां आएगा यहां जहां पे था पहले चित्र में वहीं पर ये आ जाएगा तो अब देखिए ये नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता यानी सी तो नहीं हो सकता क्यों क्योंकि यहां पर नहीं है या तो ए हो सकता है या तो बी हो सकता है या तो डी आप देखते हैं आप किसको देखते हैं ट्रायंगल को देखते हैं भाई ट्राइंगल देखिए ट्रायंगल यहां से यहां आया यहां से यहां आया ये देखिए यहां आ चुका है यहां और यहां से फिर यहां आया यहां से यहां आया और अब की बार यहां हो जाए क्योंकि एक एक खाना बदल रहा है यहां से यहां यहां से यहां यहां से यहां अब यहां तो अब की बार ये कहा जाएगा यहां और यहां की स्थिति कहा इसका ये इसका ऑप्शन क्या हो गया बी इसलिए प्रश्न का उत्तर बी अगला देखते हैं जरा अगला देखते हैं अगला ये है कि ये एरो इसमें भी यही चीज है कि पांचवें स्थान पर क्या आएगा ए एरो नीचे की तरफ एरो ऊपर की तरफ फिर एक और नीचे की तरफ फिर एरो ऊपर यानी ऊपर रहेगा एरो तो एरो नीचे की तरफ तो ऊपर वाला तो खत्म यानी या तो बी सही है या तो सी सही है या तो डी सही है।, है या तो बी सही है या तो सी सही है या तो डी सही है अब देखिए जरा अब ये तो हो गया अब ये एरो की बात होगी कि एरो एरो नीचे रहेगा अब आते हैं वृत्त पे यानी सर्कल पे या, सर्कल पे वृत्त जो है घड़ी की दिशा में घूम रहा है कैसा घूम रहा है घड़ी की दिशा में घूम रहा है यानी क्लॉकवाइज घूम रहा है और इस तरह से जब घड़ी की दिशा में देखिए यहां था यहां से ये यहां से ये यहां आ गया यहां के बाद यहां आ गया यहां के बाद यहां आ गया भाई देखिए हर कोने को पकड़ रहा है वो हर कोने को पहले यहां से यहां आया यहां से यहां आया फिर यहां तो अब फिर यहां से यहां आ जाएगा यानी कौन सा सही होगा सी इसका उत्तर सी सही होगा अगला देखिए निम्नलिखित आव्यूह पर विचार कीजिए ठीक है विचार कीजिए इसका मतलब आव्यूह मतलब में एक्स के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ऑप्शन भी दिए हैं हमारे पास पांच आठ नौ ग्यारह देखते हैं जरा देखिए ये तीन और तीन सौ सत्तर और सात कैसे आया देखिए तीन का स्क्वायर तीन का स्क्वायर तीन का क्यूब तीन का क्यूब होता है सत्ताईस प्लस सात का क्यूब होता है थ्री फोर थ्री और जब हम थ्री फोर्टी थ्री में ट्वेंटी सेवन एड करेंगे तो देखिए सात तीन दस एक चार दो छ और एक सात तीन कितना आ गया तीन सौ सत्तर यानी यहां भी दो का क्यूब होता है आठ और छे का क्यूब होता है दो सौ सोलह दो सौ सोलह में आठ जोड़ेंगे तो दो सौ चौबीस उसी तरह से ये होगा क्या एक का क्यूब होता है एक तो इसमें क्या जोड़ दें एक में कि एक में क्या जोड़ दें कि किसका क्यूब जोड़ें तो सात सौ तीस आ जाए इसमें सात सौ उनतीस जोड़ें क्या जोड़ें सात सौ उनतीस और सात सौ उनतीस किसका क्यूब होता है नौ का तो एक्स के स्थान पर क्या आएगा एक्स के स्थान पर सी यानी नौ आ जाएगा ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं लिखा है निम्नलिखित तीन आकृतियों का परीक्षण कीजिए जिनमें संख्याएं एक विशिष्ट प्रति रूप में हैं तो कैसे क्या होगा पहले वाली को देखते हैं जरा पहले वाले को देखिए जरा बारह में बारह में सात का गुणा किया गया तो चौरासी आ गया वैसे यहां पर नौ में नौ का गुणा किया गया तो चौरासी आ गया है ठीक ऐसे यहां पर ग्यारह में आठ का गुणा किया गया है तो अट्ठासी आ गया ठीक है अब क्या करा गया ये जो है जस्ट इसका डबल है सात दुनी चौदह ये जो है जस्ट इसका डबल है कितना नौ दुनी अठारह तो यहां पर जस्ट इसका डबल यानी आठ दुनी सोलह हो जाएगा और इस तरह से हमारा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा अगला देखते हैं अगला है कि आ, नीचे एक घन के फलकों पर एक दो तीन चार पांच और छे अंक चिन्हित किए गए हैं घन के तीन दृश्य नीचे दर्शाए गए हैं एक छे चार तीन एक दो तीन पांच घन पर क्रमशः ए और बी चिन्हित दो फलकों पर संभावित अंक क्या हो सकता है यानी यहां पर कह रहा है इस पे इस पे संभावित अंक क्या हो सकता है देखिए समझिए आप कि हम क्या करना चाह रहे हैं कि घन भाई हमें चित्र से दिख रहा है कि पांच के विपरीत सतह एक होगा यानी पांच के यानी पांच के विपरीत यानी ओपोजिट पांच के विपरीत यानी अपोजिट पांच के विपरीत एक होगा पांच के विपरीत एक होगा ठीक है पहली चीज दूसरा क्या है पांच से जुड़ी सतह क्या है दो और तीन और छह और चार है पांच से जुड़ी सतह क्या क्या है दो तीन और है से जुड़ी सतह तो अब क्या होगा तो हमारा दो और तीन बिल्कुल सही होगा यानी ऑप्शन ए यानी दो और तीन बिल्कुल सही होगा क्योंकि पांच से जुड़ी सतह दो और तीन है और छह और है और आपसे पूछा ए बी के स्थान पर क्या आएगा तो हम देख चुके हैं छह तो दिया ही हुआ है इसका मतलब हमारा दो और तीन होगा अगला क्वेश्चन देखते हैं किसी व्यक्ति को क्यू से चलकर आर तक परिवहन प्रणाली बदले हुए बिना पढ़ना, पहुंचने के लिए कौन सी परिणाम प्रणाली सहायक होगी चित्र है हमारे सामने ये ट्रेन है ये बस है ये नौका है और ये विमान है नौका तो देखते हैं जरा भाई बिना बदल बदले जाना है कहाँ से जाना है क्यू से क्यू ये है और कहाँ तक जाना है आर तक तो क्यू से अगर ये जाएगा पहले ट्रेन से देख लेते हैं ट्रेन से तो यहाँ गया पी पी से बदलना पड़ेगा क्योंकि पी से कोई साधन नहीं है तो बदलना पड़ेगा तो ट्रेन तो कैंसिल यानी रेल कैंसिल यानी रेल से तो उसको नहीं जाना अब देखते हैं बस से बस कौन सा है आ, बस हमारा ये है तो बस क्यू से तो है ही नहीं बस इसलिए क्यू से ये बस का है तो बस है नहीं तो बस भी कैंसिल एरोप्लेन में आते हैं विमान विमान तो ये है एरो बने हुए हैं विमान क्यू से विमान की सेवा भी नहीं है क्यू से टी से है क्यू तक टी से टी से टी तक है और फिर टी से आर तक बदलना पड़ेगा विमान भी बचा क्या नौका और नौका ही हमारे प्रश्न का उत्तर है क्योंकि देखिए नौका का क्या है निशान ये है सर्कल वाला तो देखिए ये यहाँ से गया और बिना बदले हुए यहाँ पहुँच गया यानी उत्तर हमारा क्या हो गया नौका यानी ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है अगला देखते हैं यदि कोई व्यक्ति पी से शुरू करता है कहां से पी से शुरू करता है तो पी से इसने शुरू किया कर हर स्थान पर जाता है पी से शुरू करके हर स्थान पर जाता है और पी पर वापस आता है पी से शुरू कर हर स्थान पर जाता है और पी पर वापस आता है पी से शुरू करके हर स्थान पर जा रहा है अच्छा पी से शुरू कर रहा और हर स्थान पर गया जैसे क्यू पर गया ठीक है क्यू पे जाने के बाद फिर जाएगा वो टी पे टी पे जाने के बाद जाएगा आर पे फिर जाएगा एस पे एस पे भी जाना है हर स्थान पे जाना है उसको एस पे भी गया तो कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर वो दो बार जाएगा किस पे दो बार जाएगा तो बहुत ध्यान समझिए कि भाई एस पे आएगा तो आर से होते हुए आएगा और फिर वापस जाएगा तो आर से होते हुए जाएगा भले अब देखो यहाँ से तो नौका से जा सकता है सीधे सीधे बिना पी पर तो आर पे वो दो बार जा रहा है आर पे दो बार तो कहाँ जाएगा आर पर दो बार ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्योंकि आर पर तो वो दो बार जाएगा उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा <coughs> कौन सा एक नगर युग्म किसी अन्य नगर में जाए बिना किसी भी मार्ग से सीधे जुड़ा है किसी अन्य नगर में जाए गुना किसी मार्ग से सीधे बिल्कुल जुड़ा हुआ है देखते हैं कौन सा है आ, 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 देख रहे हैं भाई कि हमारा उत्तर क्या होगा दोनों पहला ऑप्शन है क्यू और किसी नगर से आ, सीधे जुड़ा है पहला ऑप्शन है पी और टी टी और एस क्यू और आर ठीक है देखते हैं यहां पर पी और टी पी और टी किसी नगर से जाए बिना नहीं आर पे जाना पड़ेगा एक दूसरे से नहीं जुड़े हैं टी और एस टी ये है और एस तो ये है नहीं आर से होके जाना ये भी नहीं है क्यू और आर देखते हैं क्यू ये है और आर ये है पी होके जाना पड़ेगा ये भी नहीं इनमें से कोई भी नहीं है ठीक है अगला देखते हैं नीचे दिए गए नगर किन दो नगरों के बीच अधिकतम यात्रा विकल्प उपलब्ध है अधिकतम यात्रा विकल्प उपलब्ध है अधिकतम यात्रा यात्रा सबसे अधिक यात्रा देखते, है कि इस उतर। हैं देखते हैं किस पे उत्तर पहला ऑप्शन पकड़ते हैं ए देखते हैं जल क्यू और एस तो देख लेते हैं क्यू से पी पे जाएंगे नौका से और नौका से आर पे नौका पहुंच गए क्यू uh, से जाएंगे और ट्रेन से ट्रेन से नौका क्यू से टी तक जाएंगे प्लेन से Q और एस बिल्कुल सही आंसर अधिकतम यहां पर उपलब्ध है यात्रा के विकल्प हम किसी भी से भी यात्रा कर सकते हैं ठीक है चलिए ये हमारे प्रश्न हो चुके हैं अब हम बढ़ते हैं अगले देखते हैं हमारे अगले प्रश्न क्या और क्या है ओके ओके डिसीजन मेकिंग आ चुका है डिसीजन मेकिंग में हम प्रश्न पढ़ते हैं लिखा है आप एक विश्वविद्यालय में शिक्षक हैं आप एक विश्वविद्यालय में शिक्षक हैं और एक विषय विशे, विशेष पर प्रश्न पत्र बना रहे हैं आप से के सहकर्मी में से एक जिसका पुत्र उसी विषय पर परीक्षा की तैयारी कर रहा है आपके पास आता है और आपको सूचना देता है कि आपके पुत्र की अंतिम परीक्षा है करने का आखिरी अवसर है और आपसे परीक्षा में आने वाले प्रश्नों के संकेत देकर पुत्र की सहायता करने के हेतु आग्रह करता है और उसी मित्र ने अतीत में आपके उस सहकर्मी ने दूसरे मामले में आपकी सहायता की है तो बताइए आपका सहकर्मी आपको सूचित करता है कि अगर परीक्षा में उसका पुत्र अनुत्तीर्ण हो गया तो अवसाद यानी डिप्रेशन में चला जाएगा तो इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे देखिए अगर आप पर्चा बना रहे हैं तो आप धोखा तो नहीं करेंगे और आपका मित्र आता है और आपसे कहता है कि हमारे बेटे का पेपर है और आप कृपया करके आप बता दीजिए कि आप कौन से पेपर बना रहे हैं क्या प्रश्न बना रहे हैं तो ऐसा तो नहीं होगा तो हम एक काम करेंगे पहला ऑप्शन देखते हैं कि अतीत में उसके द्वारा की गई सहायता को देखते हुए उसकी सहायता करें कतई नहीं करेंगे कतई भी नहीं करेंगे लास्ट देखते हैं उच्च अधिकारियों को अपने सहकर्मी के आचार की शिकायत करेंगे नहीं शिकायत भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं शिकायत, करेंगे क्यों नहीं शिकायत करेंगे कोई गलत है उसको नौकरी से निष्कासित किया जा सकता है और उसके द्वारा तो ये सहायता देखते हुए उसकी सहायता भी नहीं करेंगे क्योंकि सहायता पर्सनल हो सकती है परिवार की नहीं और किसी के भविष्य के साथ बिना हम योग्यता सिद्ध किए हम उसकी सहायता नहीं कर सकते ठीक है बी देखते हैं खेद व्यक्त करेंगे कि आप उसकी सहायता नहीं कर सकते कैसे नहीं खेत तो नहीं व्यक्त करेंगे तीसरा हो सकता है कि अपने सहकर्मी को हम समझाएंगे कि ऐसा करने से विधिविद्यालय विश्वविद्यालय के अधिकारियों का विश्वास भंग होगा और आप उसकी सहायता करने की स्थिति में नहीं है बिल्कुल सही यही ऑप्शन है कौन सा सी हमारा बिल्कुल सही है अगला देखते हैं अगला देखने से पहले देख कि हम क्या करेंगे कि आपको बताएंगे कि अगर आपको ये पसंद आ रहा है प्रीवियस ईयर पेपर का जो सोल्यूशन है ये आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और जितना अधिक से अधिक हो सके उतना शेयर करिए क्योंकि आपका एक शेयर एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है और हमें और अच्छी -ची अच्छी चीज़ें लाने के लिए प्रेरित करता है तो कृपा करके आप इसको बस शेयर करिए और खूब लाइक करिए और बहुत अच्छे से पढ़िए और पुराने लेक्चर्स को ज़रूर देखिए जिससे आपका बेसिक क्लियर हो डिस्क्रिप्शन में सब दिया हुआ है लिंक दिए हुए हैं आप पुराने लेक्चर्स को जितना देखेंगे तो आपका बेसिक उतना अच्छे से अच्छा क्लियर होगा चलिए देखते हैं आप एक ए से परिवार क्षेत्र में परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू करने के प्रभारी हैं जहां वर्तमान का, का सर्वोत्तम तरीका क्या होगा यानी आप परिवार नियोजन के बारे में जा रहे हैं बताने जिस क्षेत्र में वहीं के क्षेत्राधिकारी हैं प्रभारी हैं लेकिन वो लोग इसको मानने को तैयार नहीं है और वो लोग विरोध कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे पहला ऑप्शन निवासियों को स्वास्थ्य और जीवन स्तर सुधारने के लिए परिवार नियोजन की आवश्यकताओं को तर्कसंगत रूप से समझाएंगे अच्छा दूसरा ऑप्शन हम आ, 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 दूसरा ऑप्शन हम देखते हैं कि तर्कसंगत रूप से अगर नहीं समझते हैं तो हम क्या करेंगे ठीक है भाई निवासियों को समझाएंगे जीवन स्तर सुधारने के लिए देर से विवाह में बच्चों के बीच उचित अंतर को प्रोत्साहित करेंगे तो ऐसा कतई नहीं क्योंकि कड़ा विरोध हो रहा है वो हमसे सुनेंगे ही नहीं हमारे बातों को सुनेंगे ही नहीं देखिए हम जीवन स्तर सुधारने के लिए उनसे चाहे जितनी तर्क तर्कसंगत रूप से समझाएं लेकिन वो नहीं सुनेंगे देर से विवाह और बच्चों के बीच अंतर को प्रोत्साहित कर देंगे लेकिन वो फिर भी नहीं सुनेंगे क्योंकि वो सुनना ही नहीं चाहते और इस बात पर विरोध कर रहे हैं तो पहला भी गलत तो और दूसरा भी तीसरा परिवार नियोजन युक्तियाँ अपने अपनाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान कर अपने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेंगे नहीं नहीं ऐसा कतई नहीं करेंगे उनको लालच नहीं देना है किसी को लालच देने के से बात खराब हो सकती है कि आप अगर परिवार नियोजन अपनाएंगे तो आपको इनाम मिलेगा तो ऐसा कुछ नहीं है डी देख सकते हैं आप ऐसे लोगों से ऐसे लोगों से जिनका बंधकरण हो चुका है अथवा तो जो गर्भ निरोधक इस्तेमाल कर रहे हैं निवासियों से प्रत्यक्ष बात करने का आग्रह करना चाहते हैं बिल्कुल सही आग्रह करेंगे उनसे प्रत्यक्ष बात करेंगे जो इसका उपयोग कर रहे हैं क्योंकि वही आगे चल के इनको समझाएं भी सकते हैं तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल भी सही होगा भले क्योंकि वो लोग प्रभारी से बात ना करके आपस में लोगों से बात कर सकते हैं तो हमें उन लोगों को पकड़ना होगा जो ये उपयोग कर रहे हैं बंधकरण कर रहे हैं और गर्भनिरोधक अपना रहे हैं ठीक है तो बस आज के लिए इतना रखते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक